प्रोग्राम एक भेरों बीहर भली कर नाजरन से गुफ्तगु पाया क्यों तीन निगरान वजीर आजम जो अना नालो फाइनल न थो है जैसे त मुशावरत हली रही है वजीर आजम अपोजिशन लीडर के विच में इन हवा से सदर वजीर आजम अपोजिशन लीडर के खत लिखो है तो जल्द खन जल्द निगरान वजीर आजम जो नालो फाइनल किया वे इन अस गुफ्तु कंदी डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब एक्स एम एन ए नून लीग से उनको ताल्लुक है अस टेलीफोन लाइन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या इतलात हैं आपके पास, किसको बना रहे हैं आप निगरान वजीर आजम और इतनी देर क्यों हो रही है, क्या मामला पे कोई डेड लॉक है कि अपोजिशन लीडर और वजीर आजम साहब मुत्तफिक नहीं हो पा रहे नाम पर? जी ये तो फिर देखें जो आइन में दर्ज है लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर फैसला करना है, लेकिन बहर मैं तो मेरा तो मौकफ यह है कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो, पूरी कौम का, यानी ऐसा अब ये फर्क सामने आना चाहिए, ऐसी शख्सियत पे इतफाक होना चाहिए जिसपे पूरी कौम को एतमाद हो, और वही जो है वो एक मुनसिफाना गैर जानबदाराना इंतखाबात जो है उनको यकीनी बना सकती है, ऐसी शख्सियत जिसपे पूरी कौम का एतमाद हो, वरना ये है कि केयर टेकर सेटअप पूरा ऐसा होना चाहिए जिसपे कौम को एतमाद हो, वरना यह है कि उस सेटअप के जरिए होने वाले इंतखाबात और फिर यह है कि उसके नतीजे के तौर पर बनने वाली हुकूमत जो है वो हर चीज की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी अगर केयर टेकर सेटअप पे पूरी कौम को एतमाद ना हुआ तो। इसका मतलब ये कि आप चाह रहे हैं कि जो भी हो लेकिन वो गैर सियासी शख्सियत हो, किसी पार्टी से वाबस्तगी ना हो ताकि कंट्रोवर्सी कोई पैदा ना हो, यही यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे पूरी कौम को एतमाद, बिल्कुल। आपकी जमात किसको करना चाह रही है, आपकी जमात ने कौन से नाम रिकमेंड किए हैं? नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कोई किसी सियासी जमात का कोई एक्टिव मेंबर ना हो और ऐसी शख्सियत हो जो कि बिल्कुल वाकई गैर जानबदार हो, बासूल हो, दयानतदार हो, उसके किरदार पे कोई उंगली ना उठा सके और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी के तौर पे भी वो जाना जाता हो, ताकि यह है कि एक यानी बेहतरीन मुंतजम के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ कर सके। तो जो इस वक्त दो तीन नाम आए हैं उनमें जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तसद्दुक हुसैन जीलानी का नाम दिया है, जलील अब्बास जीलानी का नाम दिया है, या जिस तरह अपोजिशन लीडर ने सादिक संजरानी का नाम दिया है, तो आप समझते हैं कि ये नाम भी ठीक हैं दिगर नामों की तरह? नहीं मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक असूली बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी पर कोई इतराज नहीं करता, मैं तो एक असूली बात कर रहा हूँ कि ऐसी गैर जानबदार शख्सियत हो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और ऐसा केयर टेकर सेटअप हो, जाहिर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वही अपनी टीम बनाएगा, अपनी कैबिनेट बनाएगा, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसका इंतखाब बहुत अहम है, और वो मैं फिर कहूंगा कि ऐसी शख्सियत हो जिसपे कोई उंगली ना उठा सके उसकी गैर जानबदारी के मामले में, उसकी दयानदारी और असूल पसंदी के मामले में, पूरी कौम को एतमाद हो। कभी तो देखें ऐसा हो कि ऐसी शख्सियत यानी उस पर इतफाक हो कि यानी कौम बाकी पूरी दुनिया आशिश कर उठे कि वाकई जी क्या उसने इंतखाब है, क्या पाकिस्तानी कौम ने इंतखाब किया है। सही। हाँ अच्छा अच्छा, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जाती और सियासी मुफादात से बालातर होकर, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे जब यही सवाल किया तो उनका जवाब ये था कि मामला तो फाइनल हो चुके हैं, मुत्तफिक तो हो गए हैं हम, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब 14 अगस्त को जो तक वजीर आजम रहना चाहते हैं इसीलिए ये दो दिन डिले किया जा रहा है, टाइम भी हमारे पास है लेकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 14 अगस्त की जितनी जो तकरीबात हों उनमें वो एज ए प्राइम मिनिस्टर हों, क्या आप क्या समझते हैं कि ये ठीक बात है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई किसी खास तारीख के लिए, लेकिन अगर देखें 14 अगस्त ज़ाहिर है हमारी मुल्की तारीख की एक अहम तरीन तारीख है जिस दिन हमें आज़ादी मिली, तो वो ठीक है, इसमें हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म साहब उसमें शामिल हों, लेकिन यह है कि इसके लिए डिले करने का मैं नहीं समझता कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब इसलिए डिले करना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यानी वो असल बात देखें तारीख की बात नहीं है, एक दो दिन आगे पीछे होने की बात नहीं है, असूल जो है वो जिसका मैंने जिक्र किया असल जो है वो ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जिसपे पूरी कौम का एतमाद हो। अच्छा उसके अलावा सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज आपको जैसे इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जस्टिस जो है बिल एक्ट था उसको उड़ा दिया, कलदम करार दे दिया, और जिस हवाले से ये बात कही जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नवाज शरीफ साहब को होगा क्योंकि उनके पास अब अपील का जो हक वाला मामला है, तो आपको क्या लगता है कि
मियां साहब के लिए ही ये मामला हो गया है और वो उस वक्त जब असेंबली चली गई है उस वक्त ये फैसला सुनाया गया, तो इसकी टाइमिंग के हवाले से भी आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं सवाए अफसोस के और क्या इसके बारे में कोई तबसरा कर सकता हूँ। अफसोसनाक है कि यानी ये पार्लियामेंट का जो काम है कानून साजी करना, अगर पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पे कोई तरमीम मंजूर की है तो अब यह है कि मैं क्या कहूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में भी है कि उन्होंने जो फैसला किया है, मैं तो सच्ची बात यह है कि उस पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ कि मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को ये इख्तियार था। और मियां नवाज शरीफ का जो आपने जिक्र किया उसके हवाले से मैं कहूंगा कि देखें, जिस मद का खेज बुनियाद जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया उससे ज्यादा मद का खेज रिडिकुलस बुनियाद पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं हो सकती किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ये जाए कि एक तीन दफा का प्राइम मिनिस्टर हो जो मुल्क का कौम और कौम का मोहसिन हो इस लिहाज से कि उसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए, मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, सी पैक का तोहफा दिया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, ऐसे शख्स को आप किस बुनियाद पे एक एक, एक मजाक था यदि जो आपने तनख्वाह अपने बेटे से लेनी थी जो ली भी नहीं उसका इंदराज क्यों नहीं हुआ? ये क्या रिडिकुलस की बुनियाद है? अंदाजा करें पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मद का केस बुनियाद नहीं हो सकती किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करने नहीं किया। डॉक्टर साहब, फिर मतलब आपके हिसाब से तो ये बात तय है कि ये आज का फैसला नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर रुकावट नहीं बनेगा, और जिस तरह वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कल एक इंटरव्यू में कहा कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो उसमें अब कोई दो राय नहीं है सितंबर में मियां साहब आ रहे हैं वापस? नहीं, मियां साहब को जेल जाने से भी कोई कौन सा कोई खौफजदा है? वो देखें अपनी अहलिया मोहतरमा को पिछले मज पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आ गए सीधे जेल जाने के लिए, क्या गहरी जेल में सही। वो जो है और ये बिल्कुल किसी यानी ना करता गुनाहों की सजा के तौर पर किसी ना यानी है कि कोई गुनाह उन्होंने किया, कोई जुर्म नहीं किया। ये बेटे से तनख्वाह ना लेना जुर्म था? ये क्या यानी ये एक मजाक था? और ये है कि उसके बावजूद वो आ गए अपनी बेटी को साथ लेके, बेगम को बिस्तरे मत पे छोड़ के आ गए और सीधे जेल चले गए। उनको पता था मैंने जेल जाना है, कौन सा वो जेल में जाने से डरते हैं? वो कोई इमरान खान है जो जेल से जाने से डरते हैं? वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो ये कौम के लीडर हैं, कौम के दिलों में बसते हैं और उनको कोई ये है कि ना कोई अदालती फैसला कौम के दिलों से निकाल सकता है, ना कोई एक आमरियत आज तक निकाल सकी, कोई आमराना फैसले या अदालती फैसले उनको कौम के दिलों से नहीं निकाल सकते। वो आएंगे और इंशाल्लाह चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, वो तो जाहिर है फिर वो जितने भी जो कानूनी पहलू हैं उनको तो जाहिर है वो फेस करेंगे, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज़ ये कि बात हुई जिस तरह इमरान खान साहब जेल में गए तो सब यही कह रहे हैं कि मकाफात अमल है, उसने खुद इस तरह के मामलात किए, उन्होंने तो ना किसी बेटी किसी और की बेटियों को बहनों को काब एहसास उसने नहीं किया, सबको जेल में भेजा। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, फरियाल तालपुर साहिबा, मतलब कितने नाम लेऊँ, आपकी तो लीडरशिप की एक लंबी कतार है जिन सबको उसने जेल में डाला और फिर आज वो खुद मकाफात अमल का शिकार होकर जेल में पड़ा हुआ है। आप सबका मौकफ यही है, लेकिन फिर ये मकाफात अमल फिर आगे भी रुक नहीं सकता, इसलिए ये जहन में भी होगा ना आपके कि फिर ये आपकी लीडरशिप की फिर दोबारा बारी आ सकती है इस मकाफात अमल? देखिए, बात ये है कि सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, सच्ची बात ये है। और मुझे तो इमरान खान के जेल में जाने से जरा भी खुशी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताऊं। सही बात। मुझे तो कोई खुशी नहीं है, किसी मुखालिफ के जेल में जाना जो है वो कोई बायस मसरत नहीं होना चाहिए। ये हर चीज अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत हर चीज ये एक अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों कोताहियों का हमें ये एक अंदाजा होना चाहिए, उनका इतराफ करना चाहिए, उनसे सबक हासिल करना चाहिए और अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए। हमें ये वाकई ये है कि ये एक फराख दिली का, रवादारी का, मुरव्वत का मुजाहरा करना चाहिए जो कि हमारे जो सियासी माहौल है उससे ये है कि बदकिस्मती से ये खत्म होता जा रहा है। हम इतनी ज्यादा ये है कि ये सियासी इख्तलाफात को हम जाती दुश्मनियों तक ले जाते हैं और सियासी माहौल में इतनी नफरतें भर दी गई हैं, इतना जहर भर दिया गया है बदकिस्मती से कि वो जो है एक कौमी यकजहती को जितना नुकसान पहुंचा। और इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी किरदार जनाब इमरान खान साहब का है जिन्होंने अपने चार साल दौर में ना किसी अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना गुबारा किया, ना अपोजिशन के बारे में उनका जरा भी उसमें कोई साथ लेके चलने वाला जज्बा पैदा हुआ। हर वक्त वो चोर डाकू की गर्दान करते रहे, हर वक्त उनके जेन पे ये सवार रहा कि अब फलां को जेल में भेजना है, फलां को जेल में भेजना है, अगर मुल्क से बाहर गए तो वहां जाके भी, अमरीका भी उनके जेन में ये था
तो मैंने जाकर नवाज शरीफ का ऐसे ही उतरवाना जेल से। अंदाजा करें जी किस तरह की सोच थी, कैसी तंग नजरी थी, कैसा इंतकामी मिजाज था, और आज ये है कि उसी के साथ वो खुद भुगत रहे हैं। देखें बात यह है कि हम सबको ये अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपने अंदर फराख दिली और मरम्मत और रवादारी पैदा करनी चाहिए, और इसी में ये मुल्क और कौम का मफाद है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिर में मुझे ये बताइएगा कि नवे रोज में आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, या कोई लंबा चौड़ा मामला होगा? तो ये फरवरी मार्च तक की कहानी जिस तरह बताई जा रही है उस तरह होगा, और यह अगर ये इस तरह लंबा चौड़ा मामला होता है तो इसमें आप फिर डेमोक्रेसी और आइन की जो जरूरियात हैं, जो तकाजात हैं, उनको फिर आप किस तरह देखेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि जो आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आईनी तकाजा है, उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, बस हर कीमत पे होने चाहिए, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी उसका नतीजा है हमें कौम पे छोड़ना चाहिए। कौम जिसका इंतखाब करती है, आगे मुल्क और कौम की बागडोर उसको संभालनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब गुणा एमएनए आहिनि मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक आहे, असां गुफ़्तगू करे रहियो आहे। ऐं बसि हाणे चंद कलाकनि जो मामिलो आहे, ऐं तक़रीबन जेको आहे उहो घणा जेके चांस आहिनि उहे इम्कान आहिनि त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अपोज़िशन लीडर राजा रियाज जे विच में इतफ़ाक़ थी वेंदो, ऐं सुभाणे ताईं निगरान वज़ीर आज़म जो नालो साम्हूं अची वेंदो। जेकॾहिं कंहिं किन बि सबबनि जे करे जेके नज़र न पियो अचे त इन्हनि में इख़्तिलाफ़ु थींदा या मुतफ़िक़ नथा थियनि, मुंहिंजे ख़्याल में सिम्बोलिक अपोज़िशन लीडर आहे राजा रियाज़, तंहिंजे करे कोई एॾो वॾो मामिलो कोन्हे। पर जेकॾहिं अहिड़ो कुझु थिए थो त पोइ ॿिनि ॾींहंनि लाइ वरी मामिलो पार्लियामेंटी कमेटी वटि हलियो वेंदो, ऐं जेकॾहिं पार्लियामेंटी कमेटी बि उनखे उते मुतफ़िक़ न थी त पोइ इलेक्शन कमीशन वटि वरी ॿ ॾींहं हूंदा, त ॿिनि ॾींहंनि में उहो उन जो नालो अनाउंस करे छॾे। ऐं इन हवाले सां सदर आरिफ़ अलवी साहबु, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ खे ख़त लिखियो आहे, उन्हनि खे चयो आहे त जल्द खां जल्द इहा आइनी तकाज़ा पूरी करे पाण में मुशावरत मुकमल करे निगरान वज़ीर आज़म जो नालो ॾियो। वसे सभु साम्हूं अची वेंदी। क़ौमी असेंबली त वक़्त खां अॻु में पंहिंजो मुदो टुटी चुकी आहे, ऐं सिंधी असेंबली जेका आहे उहा अॼु पंहिंजो मुदो मुकमल करे रही आहे। अॼु राति 12 वॻे ताईं सिंधी असेंबली जो बि मुदो मुकमल थी वेंदो। त इन सिंध हुकूमत 5 सालनि में जेका कारकरदगी, सिंध असेंबली जी कारकरदगी छा रही, इन ते पाण वरी सुभाणे वारे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं पाण सिंध में पीपल्स पार्टी जी जेका 5 सालनि जी कारकरदगी आहे, हू त कंटिन्यूसली 15 साल आहे, पर हिननि 15 सालनि ऐं 5 सालनि समेत पाण उन कारकरदगी जो जाइज़ो वठंदासीं सुभाणे प्रोग्राम जो। अॼु प्रोग्राम में एतिरो ई ॾींदा इजाज़त अलाह।